नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नियोनेटल हर्पीस के बारे में। यह एक हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस से होने वाली बीमारी होती है, जो विशेष करके नवजात बच्चों में होती है या 5 साल के कम उम्र के बच्चों में होने वाली बीमारी है। और इस बीमारी से काफ़ी ज़्यादा बच्चे प्रभावित होते हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी असमय मृत्यु भी हो जाती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे नियोनेटल हर्पीस के बारे में। कृपया करके वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिए। नियोनेटल हर्पीस में कुछ इस प्रकार के लक्षण जो है बच्चे के शरीर पर हमें दिखाई देते हैं, जो इस इमेज में आपको दिखाई दे रहा है। बच्चे के शरीर के कई हिस्सों में हमें लीजन्स देखने को मिलता है, कई जगहों पर मैप्यूल्स और पेप्यूल्स देखने को मिलते हैं और इस प्रकार से बच्चा जो है वो प्रभावित होता है। क्लिनिकल फाइंडिंग की बात करें तो यह बीमारी जो है वो प्रमुख रूप से कॉन्टैक्ट से या वैस्कुलर लीजन्स जो हैं उसके कॉन्टैक्ट से होता है बर्थ कैनाल के दौरान, एंड वेरीज फ्रॉम सीवियर डिजीज। ये सीवियर डिजीज से भी अलग होता है। यहाँ पे डिसिमिनेटेड लीजन्स होते हैं, यानी यहाँ पे जो वायरस है वो ब्लड के साथ संपर्क हो जाता है और शरीर के कई हिस्सों में जा करके लीजन बनाता है। और इस बीमारी को इंसेफेलाइटिस भी कहा जाता है। यहाँ पे कई बार लोकल लीजन्स होते हैं स्किन के ऊपर या आँखों के ऊपर या माउथ में भी लीजन्स होते हैं, और कई बार एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन होता है, लक्षण दिखाई नहीं देता है। कई बार प्रिवेंटेड बाय परफ्यूमिंग सीजेरियन सेक्शन, अगर किसी को ये बीमारी पहले से पता चल जाए तो सीजेरियन डिलीवरी कर करके बच्चे को इस बीमारी से बचाया जा सकता है। और उसके सैंपल को लेकर के वायरल कल्चर करके देखा जा सकता है कि उसमें इस तरह की बीमारी है या नहीं है। नाइदर HSV-1 और HSV-2 कॉज कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मालिटीज़, यानी कि दिया गया है कि HSV-1 और HSV-2 के द्वारा जो है इस प्रकार की एबनॉर्मालिटी कॉन्जेनाइटल हमें नहीं देखने को मिलती है। कॉन्जेनाइटल का मतलब है जो जन्म के साथ होने वाली बीमारियां होती हैं। कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए।